गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज कौतुक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड लास्ट टॉपिक है बेसिकली ये, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एनजीओ। मैं आपको समझा चुका हूँ कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं वो बहुत हद तक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पब्लिक, राइट? एक अवेयर पब्लिक, पब्लिक ओपिनियन, द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी दे चूज, द काइंड ऑफ लीडर्स दे चूज, द काइंड ऑफ पॉलिसी दे वॉन्ट, द मोर हम्बल दे आर, द मोर सॉफ्ट दे आर, द मोर बिलीव दे बिलीव इन सॉफ्ट पावर बेसिकली, राइट? ये नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत हद तक हेजमनी को, डिस्क्रिमिनेशन को, सप्रेशन को, राइट, इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं। ऐसा देखा भी गया है वर्ल्ड वॉर टू के बाद से कि यूनाइटेड नेशंस जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स ने बहुत मदद करी है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली दो बहुत इंपॉर्टेंट एनजीओस, एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरा है ह्यूमन राइट्स वॉच। आपने इन दोनों का नाम बहुत बार सुना होगा न्यूज़पेपर्स में। इफ़ यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर देन यू माइट हैव हर्ड दिस नेम्स अ लॉट ऑफ टाइम्स, दैट द रिपोर्ट्स ऑफ दीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एनजीओस, एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट्स वॉच आर मेंशन, एंड इनके डेटास को, इनके रिसर्च को, इनके वर्क को बहुत रेलिवेंट, ट्रूथफुल और सब्सटैंसिव माना जाता है, उसे बिलीव किया जाता है। इवन यू कैन कोट एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स इन योर आंसर्स, यू कैन टेक एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स इन द courts as well, the courts has also started accepting this Amnesty International reports basically, itni worth ho gayi hai. Amnesty International abhi claim karta hai ki there are 8 million people who are actively working and who support Amnesty International, right? Bahut bada stat hai 8 million people ka, aur Human Rights Watch bhi kahin na kahin isi figure ke aas paas hai, 5 se 6 million ka, to aap samajh sakte hai ki kitne bade NGOs hai, right? Now let's talk about this. Amnesty International July 1961 में यूनाइटेड किंगडम लंदन में फाउंड हुआ था, राइट? और इसे पीटर बेनिंसन ने और फिलिप जेम्स ने, जो उनके फ्रेंड थे, ही वाज अ लॉयर, राइट, एंड ही वाज हिज फ्रेंड, इन्होंने इसे फाउंड किया था। इसका फाउंडेशन एक्चुअली एक फॉरगॉटन प्रिजनर करके एक रिपोर्ट थी जो द ऑब्जर्वर, इट्स ए न्यूज़पेपर, उन्होंने पब्लिश करी थी यूके में, और उसके अंदर बेसिकली द फॉरगॉटन प्रिजनर्स में जो प्रिजनर्स के साथ में, कैदियों के साथ में इनह्यूमन एटीट्यूड और बर्ताव किया गया था वर्ल्ड वॉर टू के बाद में, जो बेसिकली पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, लाइक व्हाट, उन्हें प्रॉपर फूड शेल्टर नहीं देना, उनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होना, उन्हें टॉर्चर करना, इन सारी चीज़ों को उसने हाईलाइट किया था। और इसी पे कंसर्न रखते हुए, राइट, इन्हीं से चीज़ों को कंसर्न करते हुए पीटर बेनिंसन ने इस एनजीओ को फाउंड किया था जिसका नाम था एमनेस्टी इंटरनेशनल, राइट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका बेसिक जो काम है वो ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड बेसिकली, राइट? अभी ये ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्क कर रहा है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए, राइट, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, किसके अंडर? UNDHR, United Nations Declaration of Human Rights तो आया था, उसे बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करा था 78 के बाद से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, और उसी के आर्टिकल 18 और 19 का जो वायलेशन हो रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसे हाईलाइट करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल बेसिकली, राइट? क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है वो इंटरडिपेंडेंट है बेसिकली और इंडिविजिबल है। मतलब क्या है? यूनिवर्सल तो है ही है और इंटरडिपेंडेंट भी है, राइट, और इंडिविजिबल भी है। दैट मींस कि ये एक ऐसे सेट ऑफ राइट्स है बेसिकली जो अगर क्लोजली वॉच नहीं किए जाते हैं, राइट, या फिर उसे क्लोजली आप मॉनिटर नहीं करते, प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो बहुत जल्दी वायलेशन हो जाएगा इनका, और इन्हें आप बिल्कुल डिनाई कर ही नहीं सकते। मतलब बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न एज अ ह्यूमन, बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न एज अ ह्यूमन, यू आर इक्वल इन द सोसाइटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके साथ नहीं करी जा सकती है भले ही कोई भी सिचुएशन हो बेसिकली, और ये सब इंटरडिपेंडेंट है, राइट, इसीलिए इसने इसका वर्क चालू करा था। और ये पब्लिश करता है और प्रिपेयर करता है रिपोर्ट्स ह्यूमन राइट्स के ऊपर बेसिकली। ये ज़्यादातर जो गवर्नमेंट होती है उसके जो एक्शंस होते हैं, जैसे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स हो गई, जैसे अफ्रीकन गवर्नमेंट्स हो गई, जैसे डिक्टेटरशिप्स हो गई, इन सबको हाईलाइट करता है बेसिकली। कोई सी भी गवर्नमेंट हो गई बेसिकली, वो डेमोक्रेटिक भी हो, लिबरल गवर्नमेंट भी हो, डेवलप नेशन की, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट के मिसकंडक्ट को पब्लिश करता है बेसिकली। बहुत ट्रांसपेरेंट है और बहुत अग्रेसिव और करेजियस है ये अपने वर्किंग में बेसिकली एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसीलिए बहुत सी बार गवर्नमेंट्स क्या होती है, इनके साथ में एग्री नहीं
करती है खुश नहीं रहती है बेसिकली, क्योंकि इनकी मिसकंडक्ट को पब्लिश कर दिया जाता है, रिवील कर दिया जाता है ट्रुथ को एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा, राइट। इनकी फील्ड्स क्या क्या है? लीगल एडवोकेसी, मीडिया अटेंशन, डायरेक्ट अपील कैंपेन्स और रिसर्च एंड लॉबिंग बेसिकली, राइट। इन सारी फील्ड्स में काम करते हैं। एक एक चीज़ को हम ढंग से समझते हैं। लीगल एडवोकेसी मतलब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है तो इंटरनेशनल फोरम्स में जाके उसकी एडवोकेसी करके उन्हें प्रोटेक्शन देना, राइट। मीडिया का अटेंशन लाना जहाँ पर बहुत बारबरिक सिचुएशंस हो रही है या फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, राइट। डायरेक्ट अपील कैंपेन्स करना, प्रेशर ग्रुप बनना यूएन की तरफ भी और बेसिकली यूनाइटेड स्टेट जैसे नेशन को भी, यूके के लिए भी, सिक्योरिटी काउंसिल में भी, राइट, एज अ प्रेशर ग्रुप एक्ट करते हैं। और रिसर्च करना बेसिकली लॉबिंग करना, पब्लिश करना, प्रिपेयर करना, रिपोर्ट में आपको समझा चुका हूँ। 1977 में इन्हें नोबल पीस प्राइज मिला था बेसिकली, राइट, किस चीज़ के लिए? डिफेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी अगेंस्ट टॉर्चर के लिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल अपने इनिशियल ईयर्स में प्रिजनर राइट्स के लिए बेसिकली उनके खिलाफ जो टॉर्चर होता था उसमें बहुत वर्क करती थी। धीरे धीरे उसका स्कोप बढ़ता चले गया, उसके बाद में वो लैंड माइंस के अंदर जो बच्चे काम करते थे या फिर जो वर्कर्स सेफ्टी थी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा था, राइट, उन पर वर्क करना चालू कर दिया उन्होंने। फिर जो सिविल वॉर की वजह से कैजुअलिटीज होती थी उस पे काम करना चालू करा उन्होंने। उसके बाद में जो ये सुपर पावर्स क्लैश कर रही थी, नेटो एंड ऑल, कोल्ड वॉर उस टाइम पे जो हो रहा था उसे उन्हें पब्लिश करा। धीरे धीरे इसके डायमेंशंस जो है वो इतने बड़े हो गए हैं कि ये ऑलमोस्ट सारे ह्यूमन राइट एस्पेक्ट पे काम करती है, राइट, और प्रोटेक्ट भी करती है और ऊपर से ये बहुत इफेक्टिव भी है। इनकी रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा सीरियसली ली जाती है एमनेस्टी इंटरनेशनल की, राइट। तो ये था एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। फिर आता है आपका ह्यूमन राइट्स वॉच। ये नाम बहुत बाद में आया है, ह्यूमन राइट्स वॉच बहुत लेट डेवलप हुआ है ये नाम बेसिकली। ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और फिलहाल यूएसए में, राइट, ये सबसे बड़ा ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। कहा जाता है कि इनकी जो अभी फंडिंग है और इनका जो टर्नओवर है जिससे वर्क कर रहे हैं वो राउंड अबाउट कुछ 40-50 मिलियन अभी चल रहा है, राइट, 2008-10 तक का डेटा है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, राइट। ये काम करते हैं रिसर्च और एडवोकेसी ह्यूमन राइट सेम एज इट इज, राइट। इनने बहुत सब्सटेंसिव काम करे हैं, इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला है लेकिन एज अ को फाउंडर मेंबर मिला है, राइट, वो मैं डिस्कस करूंगा। अब बेसिकली इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं हम कि ह्यूमन राइट्स वॉच जो था वो डेवलप कैसे हुआ था, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स में है, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है बेसिकली, ठीक है। 78 में आया था ये, रॉबर्ट एल बर्नस्टन लेके आए थे इसको और इसका पहले नाम था हेल्सिंकी वॉच। ये बेसिकली हेल्सिंकी वॉच जो था वो यूएसएसआर में 1978 में जो कम्युनिस्ट स्टेट थे यूएसएसआर के बेसिकली, राइट, जो कम्युनिस्ट स्टेट्स थे वो किस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे, क्योंकि यूएसएसआर सोशल कम्युनिज्म में बिलीव करता था, राइट, प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी, पब्लिक ओनरशिप थी वहाँ पर और प्रॉपर्टी स्टेट ओन करता था। और उस वजह से मैंने आपको समझाया भी कि यूएसएसआर खुद के सिटीजन्स के खिलाफ भी बहुत करप्ट हो गया था और ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहाँ भी हो रहे थे बहुत हद तक, क्योंकि सप्रेस बहुत ही अग्रेसिवली करता था, बहुत फोर्सफुली सप्रेस करता था अपने लोगों को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होना वहाँ पर, राइट, बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज से डिनाई करना, फिर वॉर की तरफ इंगेज हो जाना, उसकी वजह से इकोनॉमिक स्लोडाउन होने की वजह से जो हंगर और पावर्टी जैसी प्रॉब्लम्स वहाँ पर आई थी, इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत क्लोज वॉच रखा हुआ था। सबसे पहली बात तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में था ये, तो आप समझ ही सकते हैं कि क्यों क्लोज वॉच रख रहा था हेल्सिंकी वॉच करके 78 में, राइट। उसके बाद इनने बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करी, बहुत सारी रिसर्च करी और बताया कि यूएसएसआर जो है वो कितना ज्यादा सप्रेसिव हो गया है, डोमिनेंट हो गया है, कितना हेजमेनिक हो गया है और कितना स्टेग्नेंट हो गया है यूएसएसआर बेसिकली, राइट। उसके बाद इसका नाम आया 1980s में अमेरिकाज वॉच। 80s में सिविल वॉर ब्रोक हुए, सेसेशनलिस्ट टेंडेंसीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखी गई, सेंट्रल अमेरिका में, और उसको वॉच करते हुए इसने रिपोर्ट पब्लिश करी। अब ये बेसिकली क्या बन रहा था, इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट बन रहा था, पॉलिटिकली इफेक्ट नहीं हो रहा था बेसिकली, डोमिनेटेड नहीं था। फिर धीरे से ये 85 में एशिया वॉच पे आ गए, जहाँ पर एशियन कॉन्टिनेंट्स में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वहाँ पर उन्होंने उस पर फोकस करा। फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट पे वॉच आ गए 89 में, और इन सब को मिला के एक शेड में ये बन गई ह्यूमन राइट्स वॉच बेसिकली, राइट। इन्होंने इनिशियल इंटरनेशनल कोएलिशंस करे हैं, बिल्ड करा है इंटरनेशनल कोएलिशंस को
बहुत सारे कैंपेन्स में सबसे इंपॉर्टेंट इनका कैंपेन है लैंड माइंस को बैन करना। अब आप समझ रहे हैं लैंड माइंस के अंदर मंत्र बेसिकली क्या होता है, ब्लास्ट होता है बेसिकली और रास्ता बनाया जाता है आगे, राइट। माइंस ऐसे ही वर्क करती कि वहां ब्लास्ट होता है आगे रास्ता बनाया जाता है। अब बेसिकली इसे इस चक्कर में क्या होता है, वहां पर बहुत सारे लोगों की या तो जान जाती है, राइट, या तो बहुत सारे लोग जो रहते हैं उन्हें बहुत सारे डिजीजेस हो जाते हैं, या तो बहुत सारे लोगों को क्या रहता है उनकी हेल्थ जो रहती है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्ट हो जाती है इसकी वजह से। और इन लोगों को, इन लेबर्स को बेसिकली कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, राइट। एक टाइम पे स्लेव्स काम कर रहे थे और धीरे धीरे भी वो लेबर्स जो काम कर रहे थे बिल्कुल प्रोटेक्टेड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं उन्हें, राइट। इन लैंडमाइंस को बंद कराने के लिए बहुत, और या तो इन्हें प्रोटेक्टिव बनाने के लिए बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था ह्यूमन राइट्स वॉच ने, जिसकी वजह से एज अ को फाउंडर इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, राइट। और चाइल्ड सोल्जर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारी कंट्रीज वर्ल्ड वॉर टू के बाद से, कोल्ड वॉर वन के बाद से, 80s-70s के पीरियड में, चाहे वो इज़राइल हो गया या फिर अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, बहुत सारी कंट्रीज थी यूएसएसआर में भी, जहां पर जर्मनी भी हो गया, जहां पर एक बहुत यंग एज से बच्चों को आर्मी में भेज दिया जाता था, एज अ सोल्जर यूज़ करा जाता था वॉर लड़ने के लिए बेसिकली। और ये क्या बन गया था, एजुकेशन का डिनायल बन गया था, क्योंकि इसी तरफ सब कुछ लगा हुआ था, राइट। इसे भी ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत बड़े कैंपेन चलाए थे, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था ह्यूमन राइट्स वॉच ने बेसिकली। सो दीज वेयर द टू इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स काउंसिल, द ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल एनजीओस, जिनकी रिपोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बहुत सारे बेसिकली बहुत सारे एस्पेक्ट में, बहुत सारी फील्ड्स में काम करते हैं, बहुत ब्रॉड हो गया है इनका वर्क, इनके सपोर्टर्स, इनके एक्टिव पार्टिसिपेंट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, राइट। UNDHR, United Nations Declaration of Human Rights, रिमेंबर करिएगा, आर्टिकल 18 और 19 का वायलेशन हुआ है, दोनों इस पे काम करते हैं, राइट। इनके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स लैंडमाइंस के ऊपर थे, और इनके मैं आपको समझा ही चुका हूँ किस किस पे थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट Amnesty International एंड ह्यूमन राइट्स वॉच। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू पर्सनल ट्यूटर्स।